नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा पीडीएफ को, जब पीडीएफ पर हम काम करते हैं और कुछ पीडीएफ ऐसी होती हैं जिन पर हम चाहते हैं कि हम कुछ एडिट कर सकें, अपने सिग्नेचर लगा सकें और ऑनलाइन फॉर्म भर सकें। आप लोगों ने कुछ पीडीएफ में फॉर्म देखे होंगे जो कि ऑनलाइन फिल करके सबमिट करने होते हैं। ऐसी ही बहुत सारी दिक्कतों को जो है दूर करने के लिए आज जो वेबसाइट हम लेकर आए हैं, यहाँ पर हम आपको बता दें, ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर जैसे ही आप लिखेंगे गूगल पर, तो ये जो पहला आप लिंक देख रहे हैं, मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों, इजी टू यूज़ ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर, बहुत ही अच्छा पीडीएफ एडिटर है। हमने इस पर स्टडी की और इसमें हम आपको ये पूरा बता देते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने टूल्स को सपोर्ट कर रहा है, ये पॉपुलर, मर्ज, एडिट एंड साइन, कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ, अदर्स, ये आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आसानी से आप इसको देख पाएंगे कि ये क्या क्या काम करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर अभी जो लिखा है आप देख सकते हैं, फाइल्स स्टे प्राइवेट, ऑटोमेटिकली डिलीटेड आफ्टर 2 आवर्स। आप यहां पर जिस भी फाइल के साथ जो भी करेंगे, उसको डाउनलोड होने के बाद 2 घंटे ये यहां पर सर्वर पर स्टोर रहेगा, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। फ्री सर्विस फॉर डॉक्यूमेंट्स अप टू 200 पेजेस। आपकी पीडीएफ अगर 200 पेजों की है और 50 MB तक की है, तो आप 3 PDF को 3 tasks per hour, 1 घंटे में 3 task को कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये तरीका बताया हुआ है, आप कैसे एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं पहले फाइल्स को, आप गूगल ड्राइव से, ड्रॉप बॉक्स से, आपके सिस्टम से PDF पर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, आपको क्लिप दिखा रहा है, आप कुछ नाम लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट जिस कलर में, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट, आप जो भी चेंज करना चाहते हैं ये आप देख रहे हैं। इमेज ऐड कर सकते हैं, इवन दोस्तों पीडीएफ में इमेज ऐड करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। फिल आउट पीडीएफ फॉर्म्स, जो आपने फॉर्म देखे हैं, देखिए ये किस तरीके से हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, ये नाम जो लिखा हो रहा है ये पीडीएफ में ही एडिट होगा। इसके बाद आप लिंक को भी जो है यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। विदाउट पीडीएफ, ऐड शेप्स, ये बहुत सारी जो कहानियाँ दे रखी हैं दोस्तों, ये आप सभी देखिए। आपको करना क्या है, आपको यहाँ क्लिक करना है अपलोड पीडीएफ फाइल पर, ये आपके कंप्यूटर में आ गया है। अभी मैं आपको एक ऑर्डिनेंस यहाँ पर ये जो दिखा रहा हूँ, इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये एक पीडीएफ फाइल है और ये पीडीएफ फाइल देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गई है। अब आपको करना क्या है, आप जैसे ही यहाँ आएंगे और ये जो पीडीएफ फाइल है, इस पीडीएफ फाइल को आप जो है यहाँ पर जैसे ही आपने सेलेक्ट किया था, ये लिखा हुआ है और ये एडिटेबल फॉर्म में आ गया है। देखिए, अब आप यहाँ पर मान लीजिए ऑर्डिनेंस 11 को हम ऑर्डिनेंस 16 कर देते हैं और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी को हम मास्टर ऑफ फिलोसफी कर देते हैं। ये देखिए, ये जो आप चेंज देख रहे हैं, ये चेंज आपके सामने किए गए हैं। आप कुछ और चाहते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपको ठीक लगे, वो सभी तरीके के साइज़ आप यहाँ पर जो है इसको रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ऊपर ये ऑप्शंस हैं, ये टेक्स्ट का ऑप्शन जो कि मैंने आपको अभी करके दिखाया, आप लिंक्स, फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म यहाँ पर जैसे ही आप फॉर्म करेंगे, तो आप जिस भी तरीके से ये, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स आपने ले लिया है और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ रख देते हैं, और यहाँ रखने के बाद मान लीजिए हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं अपना, तो जैसे ही दोस्तों ये एक फॉर्म भरने का जब तरीका आता है, तो वहाँ पर भी आप बहुत सारे एडिट और डिलीट और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इमेजेस आप लगा सकते हैं, ये देखिए, ये आपको जो है यहाँ पर बॉर्डर मिलेगा, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, और ये जो है, मैं एक सेकंड आपको ये नीचे करके दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों इमेजेस पे जाएंगे, आपको जाना है न्यू इमेज पर, और जो भी इमेज आपकी होगी वो इमेज आप यहां से उठा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और ये देखिए, इस पूरी पीडीएफ में आप जहां भी इस इमेज को रखना चाहते हैं वहां पर आप इस इमेज को रख सकते हैं। आप इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए, और पीडीएफ इमेज आप मान लीजिए हम यहाँ लगा देते हैं इस पीडीएफ पर, ये इमेज हमने लगा दी है। साइन दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा इशू होता है, साइन करने होते हैं, ये देखिए 2 साइन हमने यहाँ पर जब टेस्ट किए थे। आप न्यू सिग्नेचर पर जाएंगे, यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, और जैसे ही आप यहाँ नाम लिखेंगे तो नीचे आप देख रहे हैं वो आपको उस तरीके से यहाँ पर साइन दिख रहे हैं। कलर आप ऐसा कर लीजिए, और ये हमने क्लिक कर लिया है, ये देखिए दोस्तों यहाँ आ गया है। अब मैं इसको यहाँ पर
क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ये एक साइन के फॉर्म में आ गया है। अगर आप चाहते हैं, जो हमारी मातृभाषा में कहा जाता है, सरकारी भाषा में, अगर आप यहाँ पर कोई चिड़िया बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ टाइप के बाद ड्रॉ पर जाना है। ड्रॉ पर आप यहाँ पर जो भी बना देंगे वो एक तरीके से साइन होगा। नीचे आएंगे, सेव करेंगे, तो ये देखिए अब आप इसको जहाँ भी स्टोर करना चाहें ये स्टोर हो गया है। ये भी आपके साइन कहलाएंगे जो आप यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों साइन में आपको और भी ऑप्शन जो दिख रहे हैं, आप अपलोड इमेज कर सकते हैं, कैमरा आप यहाँ से भी सारी चीज़ों को रख सकते हैं सेव साइन के ऑप्शन से। ये रिसेंट साइंस आपके यहाँ पर सेव कर रहा है। इसी के बाद दोस्तों वाइट आउट है, एनोटेशन से ये स्ट्राइक आउट, हाईलाइट, अंडरलाइन करना, ड्रॉ करना, आप यहाँ पर शेप कुछ एंटर कराना चाहें, मान लीजिए ये हम इस तरीके से ये शेप आप देख पा रहे हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब आप यहाँ नीचे देखेंगे ये जो आपकी फ़ाइल है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आप जो भी करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट पर आएंगे, आपको जो एडिट करना है, डिलीट करना है, ये देखिए ये यहाँ से हम इस पूरे पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। और जैसे ही ये देखिए दोस्तों अब हो गया है। अब यहाँ अप्लाई चेंजेस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। फॉन्ट टाइप योर टेक्स्ट एडिट्स रिमूव बिफोर कंटिन्यूइंग, और ये जो है आप कह सकते हैं कि जो आपको आपने एडिटिंग की है उसके बारे में ये मैसेज दिया गया है। अब ये टास्क प्रोसेस हो गई है दोस्तों। ये PDF जैसा हमने फ़ोटो लगाया है, सिग्नेचर लगाया है, जो एडिट किया है, कलर चेंज किया है, वो सभी तरीके से ये देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, साइज़ बड़ा है तो। ये देखिए जो भी हमने किया था वो सभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। PDF में फ़ोटो लग गई है, साइन हो गए हैं, ये चिड़िया बन गई है, ये गोल, ये हमने इसका कलर चेंज किया था, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी से मास्टर ऑफ फिलोसफी कर दिया, ऑर्डिनेंस 11 दिख रहा था, ऑर्डिनेंस हमने 16 कर दिया। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ से जो है PDF को किस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा एडिटर है। इस एडिटर की मदद से जो है आप जब PDF फॉर्म्स को भरते हैं और PDF में आप किसी जानकारी को भरना चाहते हैं, फ़ोटो लगाना चाहते हैं, साइन करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आप जो है इस वेबसाइट का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड भी अलग अलग जगह पर कर सकते हैं जहाँ भी आपकी इच्छा हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का इस्तेमाल स्टूडेंट्स हो, ऑफिस हो, प्राइवेट सेक्शन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी लोग कर सकते हैं। PDF का इस्तेमाल सभी लोग करते भी हैं, और अक्सर जब हमें महसूस होता है कि हमें PDF में कुछ चेंजेस करने थे तो हम ऐसी वेबसाइट को ढूंढते हैं जो इतनी यूज़र फ्रेंडली हो कि PDF को भी अच्छे से एडिट कर पा रही हैं, और ऐसा लगता नहीं है कि हमने एडिट किया है डाउनलोड होने के बाद, इतनी क्लियरिटी इसमें है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में, और उन्हें भी बताइए कैसे आप PDF पर काम करते हैं, कैसे आप इस वीडियो की मदद से मोटिवेट हुए और आपने देखा कि PDF को भी कितनी आसानी से एडिट किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।